आप अपने सामने देख रहे हैं वास्तुधार वाटरफॉल की सुंदर धारा। बहुत ही खूबसूरत ही वाटरफॉल है, काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा है। स्वर्गरोहण मार्ग यहाँ पे महाभारत काल के शायद जो भी पात्र थे उनकी मूर्तियाँ लगाई जा रही हैं, जिसे अभी प्लास्टिक में लपेटा गया, अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। ऊपर तक चलना, ऊपर चलना, और आगे खींचेंगे। ये जो रास्ता जाता है वो वसुंधरा फॉल की तरफ जाता है, जिसका ट्रैक यहाँ से 5 किलोमीटर है। थोड़ी स्टीप चढ़ाई है, डिफ़िकल्ट है, मुझे लगता नहीं कि मैं वहाँ तक जा पाऊँगा। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। चलिए, वसुंधरा फॉल के बारे में यह बात कहा जाता है कि जिन लोगों ने अपने ज़िंदगी में ज़्यादा पाप किए हैं, जो पापी है, वाटरफॉल का पानी उनके ऊपर नहीं गिरता, ऐसा कहा जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे भी नहीं पता। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। माउंटेन पीक्स तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। यहाँ का माउंटेन्स बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, क्योंकि इससे आगे तो चाइना तिब्बत पड़ता है ना। मतलब ये माउंटेन्स पीक्स, इसके पीछे ही चाइना तिब्बत होगा। वहाँ तक जा नहीं सकते, आगे पक्का ITBP आर्मी का पोस्ट होगा, उधर अलाउ भी नहीं होगा जाना। अब देखिए कुछ दूर पे ना यहाँ पे एक गुफा टाइप का है, ये देखिए। क्योंकि अभी धूप यहाँ निकली है ना, इसलिए उतना ठंड नहीं है यहाँ पे। वैसे यहाँ का नज़ारा बहुत सुंदर है। उस माउंटेन के पीछे ना वाइट माउंटेन ग्लेशियर टाइप का दिख रहा है। वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है, अमेजिंग। वसुंधरा फॉल जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना थकने के बाद अब वसुंधरा फॉल कहाँ से जाएंगे। देखते हैं जहाँ तक सिताप जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक जाएंगे। जब आप माना विलेज आओ ना, अगर आपकी इच्छा है वसुंधरा वाटरफॉल जाने का, तो एक बात ध्यान में रखना कि आगे कुछ मिलता नहीं है खाने पीने के लिए, ना ही पानी आपको मिलेगा। तो आप कुछ खाने पीने की चीज़ें और पानी अपने साथ रख लो, ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना हो। अब मैं तो खुद ही इतना थक गया हूँ कि मैं क्या वहाँ तक जाऊँगा। तब भी कुछ दूर तक सुंदर माउंटेन्स पीक आपको दिखाने के लिए मैं जाऊँगा, फिर बीच रास्ते से मैं लौट जाऊँगा। यहाँ का जो नज़ारा है ना माउंटेन्स का, लवली, वाह, काफ़ी शांत ये जगह है। और यहाँ पे उतनी गंदगी नहीं है। बाकी जगह धाम के बारे में मैं क्या बोलूँ, सुंदर का लोगों ने इतना गंद मचा के रखा है ना, और यहाँ की सरकार क्या कहें। अब हम ज़्यादा कुछ हम बोल भी नहीं सकते,
गवर्नमेंट सिर्फ चार धाम यात्रा करवाती है, बाकी चार धाम में जो गंदगी मचती है लोगों, जो अब लोग गंदगी करते हैं कि लोकल लोग करते हैं, मैंने तो खुद ही अपनी आंखों से देखा है ढाबे वाले को बोरे में कचरा भर कर मंदाकिनी नदी में फेंकते हुए केदारनाथ के ट्रैक पे। केदारनाथ के ट्रैक पे इतनी गंदगी है ना, देखकर आत्मा कांप उठता है कि लोग धाम पे आते हैं और उस धाम से इतनी कमाई होती है और वहाँ पे इतना गंदगी मचा हुआ है, क्या कर सकते हैं। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये अलकनंदा ही रिवर है। मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि ये कौन सा रिवर है, क्योंकि सरस्वती नदी जो बीच में पड़ती है वो नीचे पत्थरों के बीच जाके कहीं गायब हो जाती है, और ये रिवर जो है ये अलकनंदा ही है जो कि ऊपर से कहीं ग्लेशियर से आ रही है, और ऊपर में पहाड़ों के बीच में एक बर्फ़ वाला ग्लेशियर मुझे दिख रहा है। पता नहीं आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा है कि नहीं, मुझे बहुत क्लियर दिख रहा है और बहुत ही सुंदर व्यू उसका आ रहा है। अब मैं थोड़ा नीचे की ओर जाऊंगा और आपको अलकनंदा रिवर जो कि ऊपर से आ रही है उसका बहुत ही क्लियर व्यू दिखाऊंगा। चलिए, और यहाँ से मैं लौट जाऊंगा, मुझे हिम्मत नहीं है मैं वास्को वसुंधरा वाटरफॉल जाऊँ, वास्को बोल रहा हूँ, वसुंधरा वाटरफॉल। क्या व्यू है, लवली, ऑसम, वाओ। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे देवदार के पेड़ लगाए गए हैं। यही अलकनंदा रिवर ना बद्रीनाथ टेंपल तक गया हुआ है, ये ऊपर की ओर से आ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मुझे डर लग रहा है यहाँ पे कोई जंगली जानवर तो रहते ही होंगे ऑब्वियस है, लेकिन दिन में बहुत कम चांस है कि वो दिखें। जहाँ पे मैं अभी हूँ ना, अभी यहाँ पे कोई नहीं है, बहुत ही शांत वातावरण है यहाँ का, और नीचे तेजी से बहती हुई अलकनंदा नदी, ऊपर छोटा सा दिखता हुआ एक ग्लेशियर। पहले अभी पूरा माउंटेन्स का आपको चारों तरफ से व्यू दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो माउंटेन्स पीक्स है ना, क्या कहने इसके, क्या नज़ारे हैं। इन नज़ारों को देखकर ना बॉलीवुड का गाना ही याद आ रहा है मुझे, पांडव इसी रास्ते को, पांडव जो थे ना इसी रास्ते स्वर्ग की ओर गए थे। दोस्तों वैसे तो मेरा मन नहीं था वसुंधरा वाटरफॉल जाने का, लेकिन रास्ते में मुझे कुछ लोग मिल गए, ग्रुप जो वसुंधरा वाटरफॉल जा रहे थे, तो उन्हें देखकर मुझे भी हिम्मत आ गया। उन्होंने बोला कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, और मैं पानी का बोतल भी लाया, तो उन्होंने बोला कि उनके पास पानी का बोतल है, तो उनके कहने पे अब मैं जा रहा हूँ वसुंधरा वाटरफॉल। अब यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर का ट्रैक रह गया है, कोई नहीं ये भी ट्रैक मैं कर ही लेता हूँ। ऐसे भी लौट के हमें चोपटा जाके स्टे करना होगा, और कल सुबह ही तुंगनाथ का ट्रैक करना होगा, क्योंकि आज तो मैं भी पहुँचने में शाम हो जाए चोपटा। तो चलिए देखते हैं कितनी दूर है ये वसुंधरा वाटरफॉल का ट्रैक। मैं तो अभी से इतना हाँफने लगा हूँ ना, मेरी सांस फूल गई है, ऑलरेडी मैं इतना थका हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोग को। सामने से ना बहुत ही सुंदर ग्लेशियर का व्यू आ रहा है, और यहाँ का माउंटेन्स का व्यू तो स्पीचलेस, आई एम स्पीचलेस, सो वंडरफुल। मेरे सामने से यही लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया ऊपर आने के लिए। चलिए कुछ दूर और रह गया है, चलते हैं। बहुत कम लोग इस ट्रैक पे आते हैं, ज़्यादा तो भीड़ नहीं है, और रास्ता भी अच्छा बना हुआ है, सीमेंट का पत्थरों को लगाकर सीमेंट का रास्ता बनाया गया है, काफ़ी शांत जगह है। इसी के ऊपर पीछे शायद चाइना का तिब्बत वाला एरिया होगा, मे बी। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना ट्रैक पे, व्यूज़ बहुत ही अच्छा हो रहा है, बहुत ही लवली व्यूज़ है। सामने जो ग्लेशियर है ना बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत ही क्लोज दिख रहा है। यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है ट्रैक का, पीछे रास्ता बहुत अच्छा था। चलिए मुझे लगता है कि 2-2.5 किलोमीटर और का ट्रैक का रास्ता रह गया है।
दोस्तों लगता है अब वासुधारा वाटरफॉल का ट्रैक कुछ ही दूर रह गया है, शायद 1.5 से 2 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए किलोमीटर का कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम काफ़ी दूर तक तो चल के आ चुके हैं। माउंटेन का व्यू है ना, वो जो आप देख रहे हो माउंटेन, उसके ऊपर अभी बर्फ जमा हुआ है, ग्लेशियर, बहुत ही सुंदर व्यू है। चलिए चलते हैं आगे की ओर। इस ट्रैक का कुछ रास्ता जो है थोड़ा स्टीप है, कुछ प्लेन है, कहीं पे अच्छे रास्ते बने हुए हैं सीमेंट के, कहीं पत्थर के रास्ते हैं, मतलब कुल मिलाकर उतना डिफिकल्ट नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। अगर आपने कभी ट्रैक नहीं किया तो भी इसको आप आराम से कर सकते हो, 1.5 घंटे 2 घंटे में आराम से पहुंच सकते हो। मेरा तो हिम्मत नहीं था, लेकिन कुछ लोग साथ हो जाते हैं ना तो हिम्मत अपने आप बढ़ जाती है। और मैंने पानी का भी बोतल नहीं लाया था, तो साथ में जो मेरे लोग हैं वो लोग, उन्होंने मुझे अपना पानी दिया। दोस्तों अभी ऊपर से एक भैया आ रहे थे, उन्होंने बोला है कि अभी 2 किलोमीटर का ट्रैक और रह गया है, और इस जो वाटरफॉल का नाम वसुधारा है, मैं अभी तक वसुंधरा बोल रहा था, मुझे नाम अच्छे से पता नहीं था, इस वाटरफॉल का नाम है वसुधारा। 2 किलोमीटर का और ट्रैक रह गया है, चलिए चलते हैं, काफ़ी एक्साइटिंग ट्रिप होने वाला है। यहाँ से ग्लेशियर का व्यू देखो बस आप लोग, कितना ही सुंदर लग रहा है, क्या सुंदर नज़ारे हैं, सच में अति सुंदर। मुझे प्यास लग रही है, मेरे पास बोतल नहीं है, मेरे साथ जो थे वो लोग पीछे हैं, अब वो लोग आएंगे तो मैं थोड़ा पानी पीऊँगा। यहाँ से पता नहीं कितना दूर और है, चलिए। दोस्तों वसुधारा वाटरफॉल यहाँ से दिखने तो लगा है, अभी लोकल लोग बोल रहे थे कि अभी आधा घंटा और लगेगा ऊपर जाने में, लेकिन वाटरफॉल यहाँ से दिख रहा है, पता नहीं मुझे कि आपको कैमरे में वो दिख रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे यहाँ से दिख रहा है वाटरफॉल, और मुश्किल से ये 1.5-2 किलोमीटर होगा ऊपर से आता हुआ वासुधा वाटरफॉल। रास्ता तो ठीक ही ठाक है, मौसम भी अच्छा है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। वहाँ पे ऊपर से निकल रहा है वो, देखिए पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, मुझे तो क्लियर दिख रहा है। चलिए दोस्तों, ट्रैक करते करते हम लोग काफ़ी ऊंचाई पे आ चुके हैं, यहाँ से नीचे मैदानी एरिया में आपको एक घर दिख रहा होगा, टीन का बना हुआ घर, मतलब पत्थरों से बना हुआ है, उसका छत टीन का है। अब यहाँ पे कौन रहता है पता नहीं, शायद जो गाय बकरियाँ भेड़ चलाते होंगे, शायद वो लोग यहाँ रहते होंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत हरे भरे घास के मैदान हैं, तो वो लोग यहाँ आते होंगे। मौसम बहुत ही अच्छा है, और वसुंधरा वाटरफॉल अब ज़्यादा दूर रह नहीं गया है, नॉट वसुंधरा, वसुधारा, सॉरी मैं हमेशा गलत बोल दे रहा हूँ, वसुधारा वाटरफॉल। बहुत लोग वहाँ से होकर आ भी रहे हैं। इस वैली का व्यू आप देख लो, वाव लवली, नाइस।
तो दोस्तों फाइनली वसुधारा वाटरफॉल हम लोग लगभग पहुंच गए हैं। यहाँ से लगभग कुछ मीटर दूर ही ये वाटरफॉल है। मैं इस ट्रैक को डिफ़िकल्ट कहूँगा, बहुत स्टीप रास्ते हैं, 5-6 किलोमीटर का ट्रैक है, डिफ़िकल्ट है। ऊपर की आप देख सकते हो वसुधारा वाटरफॉल ऊपर से गिर रही है। चलो चलते हैं आगे की ओर, वाटरफॉल को और करीब से देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा राम जी का मंदिर है। जय श्री राम। तो आप अपने सामने देख रहे हैं वसुधारा वाटरफॉल की सुंदर धारा। बहुत ही खूबसूरत ये वाटरफॉल है, काफ़ी ऊंचाई से पानी आ रहा है।
है।